दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर आपके भी YouTube चैनल पर स्ट्राइक लगा था, लेकिन स्ट्राइक लगने के 90 दिन हो चुके हैं, लेकिन आपका स्ट्राइक अभी तक नहीं हटा है, अभी तक आपका स्ट्राइक आपका डैशबोर्ड पर दिखा रहा है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस समस्या को आप कैसे ठीक कर पाएंगे और आप चुटकियों में उस स्ट्राइक को आप हटा सकते हैं जिसका डेट 90 दिन खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी आपके डैशबोर्ड पर स्ट्राइक दिखा रहा है और आपको ये समस्या क्यों देखने को मिल रहा है, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो पर आवाज करना होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए दोस्तों, मैं अपना YouTube का जो डैशबोर्ड है YT स्टूडियो का डैशबोर्ड में है, क्रोम ब्राउजर से मैं ओपन कर लेता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। जैसे आप डैशबोर्ड ओपन कर सकते हैं तो यहीं से आपका दिखाई देगा कितना आपके चैनल पर स्ट्राइक पड़ा है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक आपको यहाँ बता रहे हैं। दो मेरे पास एक्टिव कॉपीराइट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह से आपको नीचे आपको डिटेल में दिखाया जाएगा कितना और कब का स्ट्राइक है, आपको पूरा डिटेल आपको यहाँ शो कर रहा होगा, जो कि मैं कुछ देर वेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से आपको सर्च करेगा, उसके बाद आप नीचे यहाँ देख सकते हैं आपका स्ट्राइक, यहाँ एक तो स्ट्राइक मेरे पास हट चुका है, ठीक है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। एक देख सकते हैं, एक 25 दिसंबर का एक स्ट्राइक एक खत्म होगा, ठीक है, और इसके बाद नीचे देख सकते हैं कंप्लीट स्कूल फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर, और एक एक्सपायर जो एक स्ट्राइक एक्सपायर हो चुका है, हमें 90 दिन हो चुका है, तो आपको यहाँ कुछ डेट दिया है, ठीक, देख सकते हैं ये हमें 25 दिसंबर को स्ट्राइक खत्म होगा और इसमें डेट नहीं दिया है, यानी इसका स्ट्राइक खत्म हो चुका है। आपको कंप्लीट स्कूल फॉर द स्ट्राइक टू एक्सपायर, जिसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा कॉपीराइट का स्कूल, उसके बाद यहाँ पे स्ट्राइक नीचे हट जाएगा और आपका जो अभी तक कॉपीराइट स्कूल कंप्लीट नहीं करते और आपको बीच में कोई स्ट्राइक लग जाता है तो आपका चैनल भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट करना होगा, आप अपना स्ट्राइक हटा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कॉपीराइट स्कूल को कंप्लीट करना होगा, क्या आपको उसमें पूछा जाता है। जैसे कि कॉपीराइट स्कूल होता है, जैसे मान लीजिए आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक लगा तो यूट्यूब को लगता है कि आपके यूट्यूब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो इसलिए आपको कॉपीराइट स्कूल के आपको कराता है कि उसमें आपको जो क्या क्या आपको कैसे कैसे स्ट्राइक लगते हैं, उस चीज आपका क्वेश्चन पूछ जाता है कि आप बता दीजिएगा, हाँ खुद से आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे तो स्ट्राइक नहीं लेगा। ये सब सवाल होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसका जवाब भी सब में अलग अलग होता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको उस सवाल का जवाब देखना है। सही सही सवाल आप जवाब जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आपका स्कूल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कॉम्पिटेटिव स्कूल कैसे आपको कंप्लीट करना हो आपको दिखाता हूँ। आपके सामने एक इसी तरह का ऑप्शन आएगा, अटेंड कॉम्पिटेट स्कूल फॉर योर स्ट्राइक टू एक्सपायर, उसके सामने आपको कॉम्पिटेट स्कूल आपको क्लिक करना होगा। जब से आप इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद कुछ इस तरह से आपको सवाल पूछा जाएगा, देख सकते हैं यहाँ वीडियो भी दिया गया है, इस वीडियो को देख सकते हैं, थोड़ी देर में वीडियो में आपको दिखने लगेगा, देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ चार सवाल, ठीक है, इफ यू मिस यू YouTube काउंटर नोटिफिकेशन प्रोसेस यू यूट्यूब यू विल टर्मिनेट वी कुंड इन नोट कोड ऑल ऑफ दी, ठीक है, आपको ऑल ऑफ दीज आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके अलग अलग सवाल आता है तो आप अपना जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कॉपी करके इसका आपका आंसर क्या होगा तो बता देगा वहाँ, देख सकते हैं। इसमें आपको चार में से दो सही रहना चाहिए, वरना आप अगर एक सही रहेगा और तीन गलत रहेगा तो फिर से आपको कॉम्पिटेट स्कूल कंप्लीट करना होगा, आपकी दोबारा आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इफ यू आर फाउंड टू द रिपीट इन्फ्रिंजमेंट यू कुड लॉस योर यूट्यूब अकाउंट टू, ठीक है, देख सकते हैं। अब उसके बाद इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए रिमिक्स मासो टू इन्फ्री कॉम्पिटेट ट्रू, देख सकते हैं आपको कॉम्पिटेट यहाँ लिखते हैं ट्रू कर देना हो, ठीक है, इसमें दोनों। उसके बाद कॉम्पिटेट इन्फ्रिंजमेंट इज ए सीरियस ऑफेंसिव एंड वायलेशन ऑफ द लॉ मे हैव सिग्निफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है, इसमें आपको नो यस फॉल्स कर देना हो, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ चेक आंसर पे क्लिक, देख सकते हैं मैंने जैसे आंसर चेक किया तो मेरा आंसर पूरा चीज सही है, एक गलत है, ठीक है, लास्ट वाला देख सकते हैं। उसके बाद यहीं आपका डन हो चुका है, एक गलत रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तीन कम से कम सही होने चाहिए। उसके बाद आपको डन पर क्लिक करेंगे तो जैसे आप डन पर क्लिक करते हैं देख सकते हैं एक कॉम्पिटेट हट चुका है और एक इसका कॉम्पिटेट का 19 दिन और बाकी है, देख सकते हैं। मैं यहाँ रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, अब मैं डैशबोर्ड पर एक कॉम्पिटेट दिखाएगा, मैं जैसे कि मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ इस पेज को दोबारा से, उसके बाद एक जो स्ट्राइक हट जाएगा। आपके चैनल दो स्ट्राइक पड़ा था तो दोनों हट जाएगा, जैसे कि 90 दिन हो गया था, देख सकते हैं मेरे पास एक स्ट्राइक बचा है और एक स्ट्राइक हट चुका है और ये भी स्ट्राइक ऑटोमेटिक हट जाएगा क्योंकि कॉम्पिटेट स्कूल आपका डन हो चुका है। तो बस आप इसी स्टेप को फॉलो करके अपना जो कॉम्पिटेट दिख रहा है उस समस्या को ठीक कर सकते हैं और आप अपना कॉम्पिटेट हटा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।